हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में पार्ट टू ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा सिखाएंगे। देखिए सब बच्चे ध्यान से देखिए, पहले आती है आपकी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में मैंने आपको बताया था कि छोटी ई की मात्रा हमेशा आपके आगे लगेगी। कहाँ लगती है? आगे, यानी कि वर्ड के आगे, ओके। और बड़ी ई की मात्रा हमेशा आपके पीछे लगती है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अभी से देखिए, पहले आता है आपके छोटी ई की मात्रा के शब्द। पहले आपके शब्द आते हैं, तो कैसे लिख पढ़ेंगे हम? खै ई ले खिल, मै ई ले मिल, कै वे इ कवि, रे वे इ रवि, कै इ रे न किरण, है इ रे न हिरण, से इ ता रे सितार, बे गे इ या बगिया, खै टे इ या खटिया, चे इ रे इ या चिड़िया, बे आ रे इ शे बारिश, कै इ शे किश, मैं ई शे मिस किशमिस। ये होते हैं आपके ई की मात्रा के शब्द। ई की मात्रा को आपको एकदम झटके से बोलना है। फिर आती है आपके वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। अब आपको वर्ण जोड़कर शब्द बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? से प्लस ई प्लस रे बराबर सिर, बे प्लस ई प्लस ले बराबर बिल, के प्लस इ प्लस रे प्लस ने बराबर किरण, है प्लस इ प्लस रे प्लस ने बराबर हिरण, ते प्लस इ प्लस के प्लस या बराबर तकिया, चे प्लस इ प्लस रे प्लस इ प्लस या बराबर चिड़िया, पे प्लस है प्लस इ प्लस या बराबर पहिया, बे प्लस गे प्लस इ प्लस या बराबर बगिया। तो आपने देखा, इसमें हम एकदम झटके से बोलकर वर्ड बनाएंगे, वर्ड लिखेंगे। आगे आता है आपका चित्र देखकर शब्द लिखो। अब आपको चित्र देखकर शब्द लिखने हैं। ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये है किताब। तो हम किताब कैसे लिखेंगे? के इ ते आबे किताब। तो हमने कैसे लिखा किताब? के इ ते आबे किताब, ओके। आगे देखते हैं, फिर आते हैं आपके सेकंड पिक्चर। किस चीज़ की है सेकंड पिक्चर? आपके गिलास की। किस चीज़ की है? गिलास। तो कैसे लिखेंगे गिलास? गिलास हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे गिलास को गे इ ले आ से गिलास, ओके। थर्ड पिक्चर हमारी किस चीज़ की है? थर्ड पिक्चर आती है हमारी तकिया। किसकी आती है? तकिया। तो हम कैसे लिखेंगे? ते के इ या तकिया, ओके। फिर आती है हमारी बारिश। तो बारिश कैसे लिखेंगे? बे आ रे इ शे बारिश। हमेशा ध्यान रखिए, बारिश में छोटी ई की मात्रा आती है। कुछ बच्चे हमेशा बड़ी लगा देते हैं, लेकिन गलत है। बारिश में हमेशा छोटी की मात्रा आएगी। फिर फिफ्थ पिक्चर आपकी दिल। तो हम कैसे लिखेंगे? दे दे पर छोटी की मात्रा, ले दिल। तो ये बन गया हमारा दिल। दे इ ले दिल। आगे देखते हैं, आगे आते हैं हमारा, आगे आता है हमारा ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब आपको ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाने, पहले लिखा है दैन दन, तो हम इसमें मात्रा लगाएंगे छोटी की मात्रा। कहाँ पर लगाएंगे? द से पहले। तो आएगा द इ न दिन, त न का तन का। तो त से पहले हमने मात्रा लगाई तो बन गया त इ न का तिन का, कह रह न करण, और मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा की रह न किरण, हरण है इ रह न हिरण, बारिश बारिश, पहिया पहिया, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, अब आती है आपकी बड़ी ई की मात्रा, ओके। बड़ी ई की मात्रा हम कैसे करेंगे? आपको बताया था कि बड़ी ई की मात्रा में हमेशा जो मात्रा होती है वो वर्ड के पीछे लगती है। तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का यूज़
करेंगे। चलिए देखते हैं, और इसे हम खींचकर बोलते हैं, इसे हम झटके से नहीं बोलते हैं। तो देखिए पहले है बड़ी ई की मात्रा के शब्द, पै र ई परी, ख ई र खीर, व ई र वीर, न मैं ई नमी, थ मैं ई थमी, भ ई तैर भीतर, ल ई च ई लीची, मैं कह रह ई मकड़ी, बै कह रह ई बकरी, बैद ल ई बदली, बै ई मैं आ रे बीमार, सह ज ई ल ई सजीली। ओके, आगे आता है वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। अब आपको वर्ण जोड़कर शब्द बनाने हैं। प प्लस र प्लस ई बराबर परी, व प्लस ई प्लस र बराबर वीर, ख प्लस ई प्लस र बराबर खीर, न प्लस ई प्लस ल प्लस ई बराबर नीली, प प्लस ई प्लस ल प्लस ई बराबर पीली, म प्लस क प्लस ड प्लस ई बराबर मकड़ी, क प्लस ड प्लस ई ककड़ी, ब प्लस ग प्लस ई प्लस चा बराबर बगीचा। फिर आते हैं चित्र देखकर शब्द लिखो। अब आपको चित्र देखकर शब्द लिखने हैं। ये किस की पिक्चर है? घड़ी। घेड ई घड़ी, मै छ ल ई मछली, प प ई त आ पपीता, ख ई र आ खीरा, प ई च कारी पिचकारी, त ई त ल ई तितली। ओके, आगे आते हैं ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब आपको ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? पै र बराबर, तो हम पै र पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा परी। झल है झल, तो मड़ी की मात्रा लगाए तो झील। खैर है खरा, ख ई र आ खीरा, न मै नम, न मै ई नमी, मै छल है मछल, मै छल है ई मछली, बै दैल है बदल, बै दैल है ई बदली। ये आपका पार्ट टू का छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का कॉपी वर्क है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपनी स्कूल की कॉपी में ये वर्क बहुत अच्छे से करेंगे और इसे सभी बच्चे लर्न करेंगे। थैंक यू।